नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल के हमारे वीडियो में, आज के दिन के हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हम लोगों को एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा था तो मैंने हमारी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा हुआ था कि यहाँ पे सी साइड में हम लोगों को नहीं जाना है, मार्केट कभी भी रिवर्सल दे सकता है। काफ़ी शार्प फॉल जो है वो हम लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद में एक रेंज क्रिएट किया था बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर के लिए, पूरे उसके बाद में कोई भी मूव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। अगर से यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी ने भी मॉर्निंग में जो सपोर्ट ब्रेकडाउन किया था उसके बाद में काफ़ी शार्प फॉल हमें देखने को मिला था, और उसके बाद में कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट यहाँ पे देखने को मिला था। अगर से स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो टीवीएस मोटर आज के दिन की पहली स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी। मॉर्निंग में हम लोगों को जो हम लोगों का डिस्कस लेवल वन था उससे ज़्यादा ही मूव जो है हम लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिला था। उसके बाद में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग 12 से 13 पॉइंट का फासला है चार्ट को स्क्वीज करके रखा हुआ है, इसलिए ये हमें छोटे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस पे काफ़ी अच्छे मूव्स हमें यहाँ देखने को मिले थे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद में पिन पॉइंट लेवल वन जो है जो स्टॉक के लिए हम लोगों ने अपसाइड के लेवल्स के लिए डिस्कस किया था वो हमें देखने को मिला था, यानी कि स्टॉक में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आज देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी हमारी कोलपैल की, कोलपैल में भी काफ़ी शार्प फॉल आज देखने को मिला था, यानी कि पीई साइड में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी दीपक नाइट्रेट की। दीपक नाइट्रेट में मॉर्निंग में हम लोगों को एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो देखने को मिला था, अराउंड लेवल वन से ज़्यादा ही देखने को मिला था। उसके बाद में एक शार्प फॉल देखने को मिला, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, लेकिन अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेकडाउन नहीं किया था, तो यहाँ पे कोई एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी, और बहुत ही अच्छा सा बाउंस बैक हमारे डिस्कस लेवल टू तक हमें यहाँ पे देखने को मिला था। यानी कि दोस्तों इन स्टॉक्स के साथ में हमारी 90% की जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन करने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ, तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है। यहाँ पे इस स्टॉक में कम्प्लीटली साइडवेज मूव हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे तक यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है। साथ में ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया हुआ है। कल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। 2723 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश रह सकता है। 2734, 2752 और 2770 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2712 सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करके स्टॉक नीचे आता है तो 2712 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है। 2700, 2684 और 2667 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2723 रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो रहेगा नवीन फ्लोरिन का।
इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ट्रेंड लाइन का एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हाल फिलहाल में स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। 2988 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है। 2973, 2954 और 2930 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 3003 रेजिस्टेंस रहेगा। इन केस अगर नीचे के साइड में नहीं आता है तो 3003 के ऊपर स्टॉक बुलिश हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। 3017, 3035 और 3057 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2988 रेजिस्टेंस रहेगा। और तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे होता है तो 1868 के ऊपर स्टॉक बुलिश हो सकता है। 1878, 1895 और 1911 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1858 सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 1858 के नीचे वीक हो सकता है। 1845, 1826 और 1808 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1868 रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों, यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों, मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं, इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना जो है वो होता है। दोस्तों, अगर से बात करें कल के दिन के मेरे मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में, तो वैसे तो निफ्टी ने बहुत अच्छी गिरावट हम लोगों को अभी तक दिखाई है और जो हम लोगों ने सपोर्ट पिछले 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया था उसके नीचे कोई भी अभी तक कैंडल 30 मिनट 1 आवर की क्लोजिंग नहीं दे पाई है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है वो उसमें गिरने के लिए स्पेस भी हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आज यहाँ पर गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। कल के दिन में अगर दोनों इंडेक्स पैरेलल चलते, पैरेलल वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज देख लीजिए निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन बैंक निफ्टी ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था। सो अगर कल पैरेलल मूव हम लोग को देखने को मिलता है तो इस लेवल के नीचे एक अच्छा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं होता है, बैंक निफ्टी में बेयरिश ट्रेंड नहीं आता है, तो एनीवेज यहाँ पे निफ्टी में एक सपोर्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। 21,792 के नीचे यहाँ पे निफ्टी वीक हो सकती है। 21,741, 21,690, 21,613 और 21,530 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 21,833 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है। 21,872, 21,915, 21,977 और 22,036 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर से यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है, इस लेवल को ब्रेक डाउन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल अगर ऐसे होता है तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। 46,257 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 46,161, 46,030, 45,918 और 45,788 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 46,370 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 46,477, 46,586, 46,709 और 46,882 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।